नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विजिट्स में, जहां हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। खास इसलिए क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी ढूंढता है, प्लॉट ले या मकान ले, लोकेशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए। हर आदमी चाहता है बेस्ट लोकेशन मिले। यदि आप लखनऊ के अंदर बेस्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो इससे अच्छी लोकेशन कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊँ, हम लोग हैं कानपुर रोड पर। कानपुर रोड पर सैनिक स्कूल है, ठीक उसके अपोजिट पूरी डेवलप है, हाई क्लास सोसाइटी है दोस्तों, HIZ हाई इनकम ग्रुप सोसाइटी है। कहीं कोई कमिश्नर रहता है तो कहीं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का HOD रहता है, या कोई हाई लेवल पे जो अधिकारी होते हैं वो सब रहते हैं। मैं उनके घर नहीं दिखा सकता, थोड़ी सी आप समझ रहे हो कि ये प्राइवेसी होती है, लेकिन आप समझो ये कॉलोनी पूरी उन्हीं की है। हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, इन्हीं के मकान के पास में एक पूरी गेटेड टाउनशिप बनाई गई है, बहुत बेहतरीन होने वाली है। चाहे स्कूल हो, चाहे मार्केट हो, कुछ भी, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, सब कुछ आपको नियर बाय मिलने वाला है। इन शॉर्ट, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि कानपुर रोड से लगभग 900 मीटर की दूरी होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो एक दो चार पॉइंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। जो आप साइड लेने वाले हो उस साइड में क्या होने वाला है। पहली चीज़, वो गेटेड होगी, वेल डेवलप है, डामर रोड बनी है, सीवर है, पूरी में बिजली सप्लाई है, बिजली सप्लाई के साथ साथ बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। चारों तरफ आबादी है, लोग रहते हैं, अच्छे क्लास के रहते हैं। मैं आपको वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूं, सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह मैं परिचय कराता हूं कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं किन के साथ खरीदेंगे और किसके साथ आप डील करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं सर? नमस्कार। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में और कंपनी के बारे में बताइएगा। साथियों नमस्कार, मैं दिलीप यादव, आस्था ग्रुप डेवलपर्स लखनऊ। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आइडिया दीजिएगा। देखिए दोस्त, आप लोग यदि हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप समझ गए होंगे, मैं हमेशा परिचय कराता हूं कि आप किनके साथ डील करने वाले हो। सर, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपका ऑफिस कहाँ है और कितने प्रोजेक्ट्स पे आप लोग अभी काम कर चुके हैं। सर, ऑफिस की बात करें तो कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं ना? जी जी, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन लखनऊ वाले लखनऊ हॉस्पिटल वाला रास्ता है, उस रास्ते से जाएंगे आप, आश्रम रोड पड़ती है, आश्रम रोड पे दीपिका टावर में मेरा ऑफिस है। अच्छा, लगभग कितना टाइम हो गया होगा आप लोगों को रियल एस्टेट में काम करते हुए? वही लगभग 10 साल के नियर भाई। कितने प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं अभी तक? लगभग 3 प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर चुका हूँ, चौथा प्रोजेक्ट मेरा ये है। एक प्रोजेक्ट पे मैं इनके साथ ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कानपुर रोड पे है, बहुत अच्छी साइट है। और जब हमने वीडियो बनाई थी वो आप समझो वो भी गेटेड थी, चौड़ी रोड थी, अच्छे मकान थे, ऑलमोस्ट 90% सेल हो चुकी है, 10% ही रह गया होगा। बहुत अच्छी साइट बनाते हैं, काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक साइट लाए, लेकिन ये साइट बहुत हाई प्रोफाइल होने वाली है क्योंकि यहाँ हाई क्लास लोग रहते हैं। लगभग जो मैंने अभी यहाँ देखा है 3,000-5,000 स्क्वायर फीट के बने हुए मकान हैं यहाँ पे। आप यकीन नहीं मानोगे, 5,000 स्क्वायर फीट के भी यहाँ मकान बने हुए हैं। इतनी हाई प्रोफाइल की यहाँ की सोसाइटी है, बड़े एयरफोर्स के, डिफेंस के, डॉक्टर्स या कमिश्नर्स लोगों के घर हैं यहाँ आसपास। चलिए साइट पर चलते हैं, साइट डिटेल पर बात साइट पर चल के करते हैं, आइए। दोस्तों, हम लोग साइट पे आ चुके हैं, अब हम बात करते हैं साइट की और सब चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। सर, आप थोड़ा सा हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि ये साइट का जो साइज़ है, कितनी बड़ा एरिया है आपके पास? 3.5 बीघे की साइट है। 3.5 बीघे की साइट है। दोस्तों, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गेट बना हुआ है, ये गेट है, यही साइट के अंदर हम आ रहे हैं। एक गेट ये दिखाई दे रहा है, एक गेट आप प्लीज थोड़ा सा उधर दिखाइएगा, सामने एक गेट और है। टोटल कितने गेट हैं आपके साइड में? 3 गेट मिलने वाले हैं आपको। दोस्तों, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अभी, मैं 1x1 सब कुछ आपको दिखा दूंगा। आसपास पूरे मकान बने हुए हैं, अच्छे क्लास के भी बने हुए हैं और हर तरीके का बसा हुआ एरिया है। आइए चलते हैं धीरे साइड पे और डिटेल में बात करते हैं आपसे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जब आप हमारे वीडियोज़ को देखते हो, अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत मोटिवेट होते हैं, लेकिन मैंने कई बार एक चीज़ नोटिस की है कि आप लोग वीडियो को बहुत पसंद करते हो, इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी मिल रही होती है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा। सर, साइट पर बात करने से पहले मेरे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि देखिए, बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो सैनिक स्कूल नहीं जानते, जबकि सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है कानपुर रोड पे, जहाँ पे यदि आप समझो तो 2 टैंक खड़े हुए हैं सैनिक स्कूल की कानपुर रोड पे। तो वो तो चलिए जो समझ रहे हैं ठीक है, लेकिन जैसे बहुत लोग समझते हैं अमौसी एयरपोर्ट, जी
हर कोई जानता है। यदि उससे दूरी समझे तो कितनी दूरी होगी अपनी साइड की? अमौसी एयरपोर्ट की हम बात करें तो लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी है। अमौसी एयरपोर्ट, देखिएगा दोस्तों, लखनऊ में दो एयरपोर्ट होने वाले हैं, एक तो आपको पता है अमौसी और एक नया बन रहा है नवाबगंज। जी, नवाबगंज। अमौसी एयरपोर्ट पे भी काफी काम हुआ है अभी हाल ही के कुछ दिनों में, वहाँ पे अडानी ने उस पे काम किया। टर्मिनल 3 भी चालू हो गया है। बहुत ही बड़े लेवल पे है और बहुत ज्यादा फ्लाइट है, जितना मैं समझ रहा हूँ कि हर 10 मिनट में वहाँ से फ्लाइट आपको मिलेगी कहीं ना कहीं जाने के लिए। तो जिस तरह से लोग ट्रेन का सफर करते हैं आज की डेट में, प्लेन का भी सफर स्टार्ट हो चुका है, तो वो आपके सबसे नियरेस्ट होने वाला है, लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको अमौसी एयरपोर्ट मिलेगा। और वहाँ से आने और यहाँ से वहाँ जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ई रिक्शा भी मिलती है, आप ओला कैब बुक कर सकते हो। आप समझ सकते हो कानपुर रोड लगभग यहाँ से 900 मीटर की दूरी पे, लगभग 900,000 मान लीजिए आप, मतलब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे, साइट्स पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे आप कानपुर रोड पे पहुंचोगे। पूरा डेवलप एरिया है, पूरी डेवलप सोसाइटी है, जिस तरह से मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा, अभी आप देख भी सकते हो कि कितने बड़े बड़े घर बने हैं। कई घर तो उसमें 5,000 स्क्वायर फीट 3,000 स्क्वायर फीट के बने हुए घर हैं, जिससे आप लगा सकते हो कि यहाँ किस लेवल के इनकम के लोग यहाँ रहते होंगे, किस प्रोफाइल के लोग रहते होंगे। इन्हीं के बीच में ही आपको पूरी एक गेटेड टाउनशिप मिल रही है जहाँ पे आप अपने पसंद का प्लॉट खरीद सकते हैं। हम वहीं पे आए हैं दोस्तों। अधिकतर सर मैंने देखा है कि देखिए बड़े जो बच्चे होते हैं जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए तो स्कूल कॉलेज जाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो 7th 8th 9th 10th में बच्चे होते हैं उनके लिए लोग पेरेंट्स सोचते हैं कि नज़दीकी मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस साइट्स के पास से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से स्कूल्स हैं होने वाले यहाँ पर। साइट के पास की हम बात करें तो यूनिवर्सल सिटी कॉन्वेंट स्कूल लगभग 700-800 मीटर दूरी पे है ओके साइट से, और सैनिक इंटर कॉलेज जो है वो भी साइट से लगभग यही 700-800 मीटर की दूरी पे। दोस्तों मैं एक बार सर को इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ सैनिक स्कूल जो मेन कानपुर रोड पे है वो अलग है, और ये उत्तर प्रदेश का ही सैनिक स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, काफी अच्छा है। अभी आप वीडियो में देख सकते हो ये सैनिक स्कूल है जो आपके साइट से लगभग कितना दूर होगा। सैनिक स्कूल लगभग वही मान के चलिए 700-800 मीटर दूरी की दूरी पे ही मिलने वाला है। और कौन कौन से स्कूल से? और गौतम बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ये भी लगभग साइड से मान चलो 700-800 मीटर दूरी पे ये भी है। ओके। दोस्तों देखिए जैसे कि आप देख सकते हो पीछे ट्रैक्टर आ रहा है, इस साइड पे काम चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाई जा रही हैं जैसे मैं देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस साइड पे मकान भी बन रहा है, आप ये देख सकते हो। प्लीज़ दिखाइए भैया, थोड़ा सा फ्रंट से दिखाइएगा। ये अभी हाल ही में मकान बना है, ये साइट के अंदर का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यह मकान भी बन रहा है, और थोड़ा सा एक बार घूम के दिखाइएगा आसपास के एरिया का भी हमारे व्यूअर्स को आइडिया लगे। देखिए चारों तरफ मकान बने हुए हैं और पूरी की पूरी साइट गेटेड है। सर साइट पे आप क्या क्या चीज़ें डेवलप करके देने वाले हो? साइट पे डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था मैंने कर दी है, ट्रांसफार्मर आपके सामने रखा हुआ है, ये सोसाइटी का ही ट्रांसफार्मर है। ओके ठीक है। डामर रोड मैंने बना के रखी है, जी सीवर लाइन मैंने डाल के भी रखी है। सीवर मैं दिखा देता हूँ एक बार, हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, प्लीज नजदीक आइएगा। ये देखिए सीवर के ढक्कन लगे हैं, डामर रोड है, ये गेट है दूसरा जो हम आपको हम पहले बताते हैं। साइड पे 3 गेट रहेंगे, हम उधर से आए थे, प्लीज़ एक बार दिखाइएगा, हम वहाँ से हमने एंट्री की थी। और दूसरा गेट ये है जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक ये गेट है और प्लस एक गेट पीछे भी होने वाला है, एक बार दिखाइएगा यदि संभव हो दिखाई देगा। दोस्तों एक बहुत अच्छा मौका है, पूरी गेटेड सोसाइटी है, बिजली की सप्लाई जैसे हमने दिखा दिया आपको है ऑलरेडी, मकान एक ये बन रहा है, प्लीज एक बार दोबारा दिखा दीजिएगा। पूरी रोड बनी हुई है, डामर रोड बनी हुई है जैसे आप देख रहे हो, सीवर का मैंने आपको ढक्कन दिखा दिया है क्योंकि सीवर के पाइपलाइन इसके नीचे है। अभी मैं वीडियो में आगे जैसे जैसे जाऊँगा मैं वहाँ पर भी आपको दिखा दूंगा। आप ऊपर दिखाइएगा प्लीज, देखिए बिजली के तार, मैंने आपसे बोला था ना बिजली के कनेक्शन है यहाँ पर, तो बिजली के तार प्रॉपर हर खंभे पर लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा मेरे को आइडिया दीजिएगा कि ये रोड कितनी चौड़ी है आपकी साइड? रोज तरुण जी हम बात करें रोड की अगर, तो यहाँ 25 फीट के रास्ते मैंने दिए हैं।
25 फीट के रास्ते हैं यहाँ पर जी, सारे 25 फीट है या कहीं कम या ज्यादा? लगभग सारे 25 फीट के ही रास्ते हैं, 25 फीट के होने वाले हैं। अच्छा, क्या मिनिमम प्लॉट साइज क्या रहने वाला है और मैक्सिमम कितना रह सकता है? देखिए, मिनिमम की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट। ओके, ठीक है। और बड़ा से बड़ा अगर प्लॉट आप लेना चाहते हैं तो 2000, 2500, 3000 तक प्लॉट ले सकते हैं आप। ले सकते हैं, तो इसे आप यदि थोड़ा सा आइडिया दे पाए कि लगभग कितनी गहराई होगी, डेप्थ कितनी होगी? प्लॉट की गहराई की हम बात करें तो 40 और 50 की गहराई है। ओके 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 फ्रेंड, तो आपको जितना चाहिए मिल जाएगा। जी जी जी। तो अभी आपकी साइट कितनी पुरानी हो चुकी होगी? अभी ये 3 महीने पुरानी साइट है हमारी। 3 महीने पुरानी साइट है। तो अभी मैं यदि देखूं अपने व्यूअर्स के लिए, पूछूं आपसे, कोई कॉर्नर्स के प्लॉट्स अभी अवेलेबल है? हाँ, कॉर्नर के प्लॉट अभी अपने पास में है, मिल जाएंगे। क्या मेरे को आप दिखा सकते हो कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आइए दिखाता हूँ मैं। अगर कॉर्नर प्लॉट की अगर बात करें हम, जी जी, तो ये कॉर्नर प्लॉट अभी हमारे पास में खाली मेन चौराहे पे प्लॉट है। सोसाइटी में जैसे एंट्री आप करते हैं, जी जी जी, चौराहे पे ऐसे आते हैं जी, गेट नंबर 1 ये है, गेट नंबर 2 वो है, जी। तो दोनों गेटों के बीच के चौराहे पे कॉर्नर का प्लॉट एक ये खाली है, कॉर्नर का प्लॉट एक ये वाला खाली है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं रिपीट कर देता हूँ, भैया प्लीज थोड़ा सा नजदीक आइएगा मेरे पास। सर की बात को मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए हम एक चौराहे पे खड़े हैं, एक तरीके से आप समझिएगा। ये एक आपको एक गेट मिल रहा है जहाँ से हम लोग अभी आए थे, जहाँ से वीडियो की शुरुआत की थी। एक गेट ये सीधे जाके उधर जा रहा है जहाँ से अभी हमने आपको बिजली का ट्रांसफार्मर दिखाया था, और एक गेट इसी रोड पे आप सीधे जाके एल शेप में मुड़ेंगे तो जहाँ आपको एक मकान दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ है। तो दोस्तों, जो कॉर्नर का प्लॉट दिखाया है वो ये है, एग्जैक्टली जहाँ खड़ा हो गया हूँ ये है। तो यहाँ से आपको कॉर्नर का मिल रहा है, लगभग कितना डेप्थ होगी यहाँ की? 50 की गहराई यहाँ पे होगी। कॉर्नर का जो भी प्लॉट हम यहाँ पे मिलेगा वो 1500 स्क्वायर फीट का ही मिलेगा। यदि कोई थोड़ा सा बढ़ाना चाहे, बड़ा लेना चाहे तो बड़ा ले सकता है। बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों, कॉर्नर्स के प्लॉट बहुत जल्दी सेल होते हैं। लगभग कितने कॉर्नर्स के प्लॉट्स अभी आपके पास होंगे? अभी मेरे पास 3 कॉर्नर प्लॉट बचे हैं। 3 है, बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों। सोसाइटी को देख रहे हैं और फैसिलिटीज को देख रहे हैं तो सब कुछ होने वाला है। कॉर्नर्स प्लॉट जहाँ फर्स्ट जो मैंने देखा है वो बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि मेन गेट के आप नजदीक आ रहे हो। आपको यहीं पे 2 गेट मिल रहे हैं आने जाने के लिए, बहुत सटीक लोकेशन है ये है। प्लीज आप एक बार दिखाइए दोस्तों, फिर लेट मत करिए। यदि आपको थोड़ा बहुत भी ये साइट समझ में आ रही हो तो तुरंत कॉल करिए। कॉर्नर का प्लॉट चाहते हैं, मिनिमम साइज आपको 1500 स्क्वायर फीट का लेना पड़ेगा, मैक्सिमम आप और ऐड कर सकते हो क्योंकि इसके बगल वाली भी जगह खाली है, इसके पीछे वाली भी जगह खाली है। तो अभी संभव है, लेकिन आप रुक के कॉल करोगे, रुक के आओगे तो हो सकता है कि ये प्लॉट निकल जाए। बाकी प्लॉट्स तो अभी बहुत सारे हैं, मैं आपको 1 by 1 दिखा देता हूँ, लेकिन कॉर्नर्स के प्लॉट जैसे सर ने बताए थे मात्र 3 प्लॉट्स हैं, तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है दोस्तों साइट लेने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि लखनऊ के अंदर चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि भाई लखनऊ के अंदर कानपुर रोड पर मिल जाए, तो ये सबसे बेस्ट साइट मुझको मिली है क्योंकि सैनिक स्कूल बहुत बड़ा लैंडमार्क है। आप गूगल पे भी करके देखिएगा, कानपुर रोड सैनिक स्कूल, उसके ठीक अपोजिट आप आओगे। ये पूरी एक तरह से देखें तो टीचर्स कॉलोनी भी है, ये डिफेंस कॉलोनी भी है। यहाँ पे आपका एक आर्मी का मैंने देखा कैंप लगा था, या किस चीज़ का कैंप लगा है वहाँ पे लाइन है? CRPF की 93 वाहिनी ओके बटालियन है, तो CRPF का भी यहाँ पे होने वाला है। और जब इतने हाई क्लास लोग रहते हैं तो आप सेफ्टी सिक्योरिटी खुद ही आप समझ जाइएगा। दूसरी चीज़, उनकी तो सेफ्टी सिक्योरिटी है ही, लेकिन जहाँ आप प्लॉट लोगे, जहाँ आप अपना मकान बनाने की कोशिश करोगे या रहोगे, वो खुद में एक गेटेड कॉलोनी है। आप एक बार दिखाइएगा प्लीज़, ये दिखाइए बगल में वाइट बाउंड्री आपको दिख रही है ना, एक बार थोड़ा सा मूव करके दिखाइएगा, चारों तरफ से घुमा के दिखाइए आप दोस्तों। देखिए चारों तरफ मकान बने हुए हैं, आप जो मकान देख रहे हैं ये साइट के बाहर बने हुए हैं, साइट के अंदर लगभग 2 मकान बने हुए हैं और पूरी गेटेड होने वाली है, बिजली की सप्लाई मिल रही है। आज की डेट में आप यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो। अच्छा, मेन चीज़ स्कूल की आपने बता दी जी, आसपास की आपने लैंडमार्क बता दिए। यदि यहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे मार्केट जाना है, नॉर्मल ग्रोसरी का सामान लेना है, तो नियरेस्ट मार्केट कौन सी पड़ने वाली है? देखिए, अगर नियरेस्ट मार्केट की हम बात करें जी, तो आपकी गौरी मार्केट नियरेस्ट पड़ जाती है। जी जी, ठीक है। हैडिल चौराहा पड़ता है, वो मार्केट पड़ जाती है जी। और बड़े मार्केट में हम अगर पहुंच जाएं जी, तो आपका कृष्णा नगर यहाँ से लगभग लगभग 3.5 किलोमीटर पे है। जी जी जी, 3.5-4 किलोमीटर। आलमबाग लगभग 5-5.5 किलोमीटर पे है। ओके ठीक है, ये बड़ी मार्केट जो है आपका, जो है बंगला बाजार वगैरह, ये सब पास में ही है। ओके, यदि मेट्रो स्टेशन बोले तो मैं कहता हूँ अमौसी का। मेट्रो स्टेशन की हम बात करेंगे तो लगभग लगभग अमौसी मेट्रो स्टेशन यहाँ साइड से लगभग लगभग मान लो 2.5-3 किलोमीटर पे है। ओके ओके ओके,
दोस्तों, यदि आप लखनऊ के अंदर बेस्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो इससे बेस्ट लोकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आप हैं कानपुर रोड पे। कानपुर रोड पे होने का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है क्योंकि ग्रेटर लखनऊ जो बनेगा कानपुर रोड पे ही बनेगा। इसका यदि आप एग्जांपल लेना चाहो कि क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बना रहे हैं, तो आप समझो जो दूसरा एयरपोर्ट है, तो दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है आपका नवाबगंज पे और एक ऑलरेडी अमौसी पे बना हुआ है। वहाँ बनाने की क्या जरूरत थी? इसलिए बनाने की जरूरत थी क्योंकि जो मेन इंडस्ट्री आने वाली है, जो बड़ी बड़ी कॉलोनी बनेगी, जो कि जिसको बसाया जाएगा आबादी से, वो यही एरिया होने वाला है जिसे बोल रहे हैं ग्रेटर लखनऊ, जहाँ पे हाईटेक सिटीज बनने वाली है। उधर से कानपुर बढ़ता आ रहा है और इधर से लखनऊ बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है भविष्य में आगे चल के लखनऊ और कानपुर की मेट्रो भी मिल जाएगी। तो ये बेस्ट लोकेशन है और जहां आपको हम प्लॉट दिखा रहे हैं ये आबादी के बीच में है। आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? आपको एयरपोर्ट का मिलने वाला है, लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर में आपको अमौसी एयरपोर्ट मिल रहा है, आपको कानपुर रोड मिल रही है, प्लस जो नई कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा है वो भी आपको यहीं से मिल रहा है। यदि आप कानपुर से बिलोंग करते हैं तो आप तुरंत एक्सप्रेसवे पकड़िए और सीधे नॉन स्टॉप आप कानपुर पहुंच सकते हैं। यदि आप आपको बीच की लिंक्स पकड़नी है, आपको उन्नाव जाना है या कहीं और रूट पकड़नी है, तो आप नॉर्मल जो कानपुर रूट है पुराना आप उसको पकड़ सकते हैं, ये भी चौड़ा होता ही जा रहा है। तो दोस्तों, स्कूल कॉलेज जो भी हमने बताया सब कुछ नियर बाय होने वाला है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट या बेस्ट एरिया है यदि आप आज की डेट में रहना चाहते हो, तो यहाँ आपको सीवर भी मिल रहा है, यहाँ आपको बिजली भी मिल रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिल रही है और एक अच्छी सोसाइटी भी मिल रही है। तो सर, ये नगर निगम का एरिया होगा? जी, नगर निगम में, क्योंकि इतने नियरेस्ट हैं आप, शहर के अंदर ही बैठे हैं आप, सैनिक स्कूल के पास है, नगर निगम का क्षेत्र है, तो नगर निगम के अंदर है तो बैंक लोन भी आसानी से हो जाना चाहिए। बैंक लोन हो रहा है जी। ओके, तो दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोकेशन भी अच्छी है, एरिया भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ आपको मिल भी रहा है, नगर निगम के अंदर भी है। यदि आप चाहते हो कि लोन लेना है तो लोन भी आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि नगर निगम के क्षेत्र में बैंक बहुत जल्दी लोन कर देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे होंगे हमारे व्यूअर्स की, सब कुछ तो बता दिया, रेट नहीं बताया, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को रेट बताइएगा, क्या रेट होगा? रेट की अगर हम बात करें तो 2150 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 2150 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट होने वाला है। दोस्तों, आप इस रेट से भी आइडिया लगा लीजिएगा कि इस लोकेशन का क्या सीन है, कितना हॉट प्लेस है, आप लगा लीजिएगा आइडिया, क्योंकि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन संभव नहीं हो पाता है वीडियो में हम वो चीज़ें आपको बता पाए जो हम यहाँ देख रहे हैं। तो आप लेट मत करिएगा, तुरंत सबसे पहले नीचे नंबर पड़ा हुआ है, कॉल करिए, यहाँ आइए, देखिए अपने, जब आप कानपुर रोड से जब यहाँ पे आप साइड पे आओगे तो मेरा मानना है कि आप वहीं बीच रस्ते में कह दोगे फाइनल भाई फाइनल, क्योंकि इतनी अच्छी सोसाइटी के अंदर से आप आओगे, हाई क्लास एरिया है, इसीलिए 2150 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है ही। दोस्तों, यहाँ पर सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नवरात्रि आई गया है जी, तो जी, कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कुछ संभव है या कुछ ऑफर दे सकते हैं आप? तरुण जी, डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट तो नहीं बिल्कुल है, लेकिन नवरात्रि ऑफर हमने एक रखा है जी, iPhone 13 Pro आप कस्टमर को हम गिफ्ट करने वाले हैं, यदि वो यहाँ पे परचेज करता है, यहाँ पे परचेज करता है तो। ओके, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन है? कुछ टाइम ड्यूरेशन ये है कि ये 30 अप्रैल तक अगर बुकिंग उसकी ओके हो जाती है, नवरात्रि 17 तारीख तक है, अगर 30 अप्रैल तक भी हो जाती है बुकिंग तब भी उसको आईफोन 13 प्रो दिया जाएगा। अच्छा, यदि किसी को बुक करना होगा तो क्या मिनिमम अमाउंट देना होगा? 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए अगर उस 1 मंथ के अंदर रजिस्ट्री कराते हैं तो 1 लाख रुपए टोकन मनी मेरे यहाँ है। अगर 1 महीने से ज्यादा समय लेते हैं, 2 महीने 3 महीने का समय लेते हैं तो 25% टोकन मनी मेरे यहाँ। देखिए दोस्तों, इसके पीछे लॉजिकल एक चीज है, 25% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये है प्राइम लोकेशन, प्राइम लोकेशन में प्लॉट्स बचते नहीं है। तो दोस्तों, जो 25% आपको टोकन मनी वहां देनी होगी जहां आप 1 महीने से ज्यादा का टाइम लेने वाले हैं, क्योंकि प्राइम लोकेशन है, प्राइम प्लॉट्स है, बहुत तेजी से इसकी डिमांड होती है, नहीं तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट दीजिए और 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री करवा लीजिए। तो नवरात्रि का ऑफर सर ने आपको दिया है, आपको आईफोन 13 प्रो एज ए गिफ्ट करने वाले हैं, तो अच्छी चीज है। एक अच्छे सोसाइटी में आप ले रहे हैं तो अच्छे सोसाइटी के लिए एक अच्छा फोन भी कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है, गुड है सर। दोस्तों, फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।